वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल दिस इज तेशियर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नर्सिंग केयर प्लान ऑन एनोरेक्सिया नर्वोसा, जो एक साइकाइट्री का टॉपिक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर कोई कमी लगती है तो भी मुझे बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री टेकिंग कर लेंगे, जिसके अंदर कोई जनरल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे पेशेंट की, आइडेंटिफिकेशन डेटा, जिसके अंदर नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन वगैरह ये चीज़ें लिख लेंगे। इसके बाद में हम प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट लिख लेंगे पेशेंट की, ये प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट हो जाएगी। प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट के बाद में हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस लिख लेंगे, ड्यूरेशन, मोड ऑफ ऑनसेट, कोज, प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर। इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेजेंट इलनेस लिख लेंगे हम, ये डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन के बाद ट्रीटमेंट हिस्ट्री लिख लेंगे हम, पास्ट साइकाइट्रिक एंड मेडिकल हिस्ट्री लिख लेंगे। इसके बाद पर्सनल हिस्ट्री लिख लेंगे पेशेंट की, जिसके अंदर पेरिनेटल हिस्ट्री, जिसमें इंट्रानेटल, पोस्टनेटल ये सब चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद में हम चाइल्डहुड हिस्ट्री लिखेंगे पेशेंट की, जैसे कि प्राइमरी केयर गिवर कौन था, फीडिंग किस प्रकार की करवाई गई थी, एज ऑफ वीनिंग क्या थी, डेवलपमेंटल माइलस्टोन कैसे थे। इसके बाद में इमोशनल बिहेवियर लिख लेंगे पेशेंट का, एजुकेशनल हिस्ट्री लिख लेंगे पेशेंट की। इसके बाद में प्ले हिस्ट्री लिख लेंगे, इमोशनल प्रॉब्लम ड्यूरिंग एडोलसेंट लिख लेंगे। इसके बाद में प्यूबर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे। इसके बाद में ऑक्यूपेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। सेक्सुअल एंड मैरिटल हिस्ट्री लिख लेंगे पेशेंट की, भाई शादी हुई है नहीं हुई है। इसके बाद जीनोग्राम बना लेंगे पेशेंट का, फैमिली का, और ये टेबल बना लेंगे जिसके अकॉर्डिंग फैमिली मेम्बर्स के नेम और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके बाद में प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी लिख लेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है, फैमिली सोशल रिलेशन कैसे हैं, प्रीडोमिनेंट मूड कैसा है, यूजुअल स्ट्रेस रिस्पॉन्स कैसा है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। इसके बाद में हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, जिसके अंदर की सबसे पहले जनरल अपीयरेंस कैसा है, जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जिसमें अपीयरेंस, फेशियल एक्सप्रेशन, लेवल ऑफ ग्रूमिंग, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, बिहेवियर, आई टू आई कॉन्टेक्ट, साइकोमोटर एक्टिविटी, पोस्चरिंग, अदर मूवमेंट, हेलुसिनेशन वगैरह, ये चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे हम। इसके बाद में स्पीच से रिलेटेड लिखेंगे, जिसमें कि इनिशिएशन ऑफ स्पीच कैसा है, रिएक्शन टाइम कैसा है, इसके बाद में रेट कैसी है स्पीच की, प्रोडक्टिविटी कैसी है, टोन कैसी है, ठीक है, इसके बाद स्ट्रीम कैसा है, इन चीज़ों के बाद में मूड से रिलेटेड, मूड एंड अफेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे कि मूड प्लीजरेबल है, अनप्लीजरेबल है, या फिर अदर कोई है, जैसे कि एनजाइटी, एपथी वगैरह, ये चीज़ें लिख लेंगे हम। इसके बाद में थॉट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, एक थॉट प्रोसेस कैसी है पेशेंट की, फॉर्मेशन लेवल पर है, प्रोग्रेशन है, कंटेंट है, ये लिख लेंगे हम। इसके बाद में परसेप्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे पेशेंट की, भाई परसेप्शन कैसा है पेशेंट का, कोई इसमें एरर वगैरह तो नहीं है, जैसे कि इल्यूजन, हेलुसिनेशन वगैरह। इसके बाद में कॉग्निटिव फंक्शन लिखेंगे पेशेंट के, जैसे कि कॉन्शियसनेस कैसा है पेशेंट का, ओरिएंटेशन, अटेंशन, कंसंट्रेशन, जजमेंट के बाद मेमोरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, मेमोरी के बाद मोटर एक्टिविटी कैसी है, हाइपर एक्टिव है, डिसएक्टिव है, या फिर डिक्रीज एक्टिविटी है, ये चीज़ें आ जाएंगी। इनके बाद में इनसाइट लिखेंगे पेशेंट की, इनसाइट कैसी है, इनसाइट इज़ रिलेटेड ऑन टू 1 to 6 पॉइंट स्केल, या हम इनसाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे। इनसाइट के बाद में नीड लिख लेंगे पेशेंट की, जो जो हमको फुलफ़िल करनी है, ये नीड्स हो जाएंगी पेशेंट की। इसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसके अंदर की हम सबसे पहले असेसमेंट लिखेंगे, नर्सिंग असेसमेंट जो भी करेंगे हम, ये असेसमेंट हो जाएगा। असेसमेंट के बाद नर्सिंग डायग्नोसिस, जिसके अकॉर्डिंग हम एनसीबी बनाएंगे, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन का हो जाएगा, रिस्क फॉर डेफिशिएट फ्लूड वॉल्यूम, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस, नॉलेज डेफिशिएट, इल्यूजन, एनजाइटी, पैनिक अटैक, हेडेक, ये सब डायग्नोसिस हो जाएंगे। इसके बाद में हम एनसीबी बना लेंगे, नर्सिंग केयर प्लान, ठीक है, असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इंटरवेंशन, रेशनल और इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग।
या आप वीडियो क्वालिटी हाई कर लें और वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका भी तरीका मैं लास्ट में बता दूंगा आपको, कि हमारा पहला एनसीपी हो जाएगा, इसके बाद सेकंड एनसीपी हो जाएगा हमारा इम्बेलेंस न्यूट्रिशन का, इसके बाद में थर्ड एनसीपी हो जाएगा हमारा डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस का, इसके बाद फोर्थ एनसीपी हो जाएगा हमारा रिस्क फॉर डेफिशिएट फ्लूइड वॉल्यूम का, इसके बाद इल्यूजन रिलेटेड टू इल्यूजन का एनसीपी हो जाएगा हमारा एक, इसके बाद नॉलेज डेफिशिएट का एनसीपी हो जाएगा एक हमारा, इसके बाद में इम्पेयर्ड हेल्थ मेंटेनेंस का एनसीपी हो जाएगा एक हमारा, इसके बाद अल्टर्ड फैमिली प्रोसेस का एनसीपी हो जाएगा, फिर हम हेल्थ एजुकेशन लिख लेंगे पेशेंट को जो जो प्रोवाइड करेंगे, ये हेल्थ एजुकेशन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बिब्लियोग्राफी लिख लेंगे, भाई हमने कौन कौन से बुक का रेफरेंस लिया है, ये इन्फॉर्मेशन लिखने में ये बुक्स हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी प्राप्त हो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की, मतलब एनोरेक्सिया नर्वोसा एनसीपी की, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा। धन्यवाद।